नमस्कार। आज जो है क्राइम फ्री भारत चैनल पर के प्लेटफॉर्म पर हमारे आदरणीय गेस्ट श्री पतंजलि झा का मैं स्वागत करता हूं। आप महानिदेशक इनकम टैक्स मुंबई महाराष्ट्र रहे हैं और तमाम पदों पर रहे हैं, भोपाल में भी आप पदस्थ रहे हैं। मैं श्री ललित शास्त्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसी शख्सियत से जो है मुझे जोड़ा, और मुझे ऐसा अनुमान है कि चूंकि हम लोगों की सोच एक जैसी है तो हम लोग जो है कुछ सकारात्मक कार्रवाई कर पाएंगे। मैं श्री पतंजलि जी से अनुरोध करता हूँ कि वो अपने शब्दों में एक बार अपना परिचय दें। तो मैं, जैसा आपने बताया, मैं भारतीय राजस्व सेवा का अधिकारी था। जुलाई महीने में मैं सेवानिवृत्त हुआ प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मुंबई के पद से, और उसके पहले डीजी कर्नाटक गोवा में था। और पिछले दो दशक से हम लोग और हमारा परिवार स्पिरिचुअल फार्मिंग में हम लोग शरीक थे, और करीब 7-8 साल पहले एहसास हुआ कि जैसे रहीम का दोहा है, एक ही साधे सब सके, तो अगर हमने इसको साथ लिया तो बहुत सारी परेशानियाँ यकायक खत्म हो जाएंगी। और ख़ास तौर पर जो IPCC का रिपोर्ट अभी जो आया है, ये सबसे क्रेडिबल रिपोर्ट है UN का, इसमें 65 से ज़्यादा देश शामिल हैं, 300 से ज़्यादा साइंटिस्ट शामिल हैं, और उनका ये ऑथेंटिक रिपोर्ट है जो कह रहा है बड़ी बड़ी बातें सब में। तो ये कह रहे हैं कि दो दशक में, आने वाले दो दशक में ही जो 1.5 डिग्री का तापमान बढ़ना निश्चित है अगर पूरी दुनिया ने कदम नहीं उठाया, और तो और जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो दुनिया में, वो पिछले 2 मिलियन सालों में इतने ज़्यादा कमी हैं, और बहुत सारी चीज़ें अब इरिवर्सिबल हो गई हैं। समुद्र का बढ़ना तय हो गया है, आर्कटिक आइस का पिघलना और अब उसको रोकना संभव नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें तो अब 1000 सालों में सबसे ज़्यादा है, और इन सब के चलते जो बदलाव आएगा, मौसम बदलाव आएगा, और अगर उसको हम जोड़ें तो हमारे जैसे जो विकासशील देश हैं वहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट पर, वहाँ पर ये जो क्लाइमेट चेंज है इस पर और भी ज़्यादा बुरा असर होगा। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, गरीबी ज़्यादा होगा, तो जाहिर है कि आप मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं, क्राइम भी बढ़ता है। तो एक तरह से अगर हम कहें कि जो मैं कहता हूँ कि एक ही सारे स्वस्थ है, अगर इसको साथ लिया गरीबी दूर होगी, पर्यावरण स्वच्छ होगा, और जहर बंद होगा, नदियाँ ठीक होंगी, अंडरग्राउंड वाटर ठीक होगा, लोगों के स्वास्थ्य अच्छे हैं, और हम अपनी चर्चा के दौरान बताएंगे कि अगर हमने हमारी पद्धति की खेती से, अगर जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बढ़िया अच्छी स्कीम कंप्रेस बायोगैस को अगर उसको जोड़ लिया तो राम राम। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, और आपकी बात से और जो UN रिपोर्ट है उससे सहमति बताते हुए एक और डायमेंशन है शायद जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं गया है। आपने हालांकि थोड़े से सटल फॉर्म में उसकी तरफ रेफरेंस दिया है, आपने ये कहा है कि हम ओवर यूज ऑफ द केमिकल्स कर रहे हैं, और उस ओवर यूज ऑफ केमिकल्स के कारण जो है हमारा जो सीरियल्स हैं, जो खाद्यान्न है, वो विषाक्त हो गया है, हमारी सॉइल विषाक्त हो गई है, हमारे जो है ना अंडरग्राउंड वाटर विषाक्त हो रहा है, और बहुत सारी जगह पर इवन एसिड रेन का जो है ना भी शुरुआत हो गई है। दैट इज़ गंगापुर जो जिला है राजस्थान का, वहाँ पर एसिड रेन से काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है नेगेटिव। और तो और छोड़िए, जो फूड ग्रेन पंजाब रहा है, इट इज़ गोइंग टू बी कैंसर बाउल ऑफ द कंट्री। कई ट्रेन्स जो है ना कैंसर ट्रेन वहाँ चल रही हैं, तो लेकिन अकेला जो है पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर केमिकल बेस अकेली प्रॉब्लम नहीं है, हमारी प्रॉब्लम मल्टीफोल्ड है। जैसे कि हम हार्मोनल जो है इंजेक्शंस बहुत ज़ोर से लगा रहे हैं। आप ये देखिए, जो दूध वाला जो है वो गाय को, भैंस को, बकरियों को हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहा है, मुर्गियों को जो है
सब्जियों में लगा रहे हैं जिससे थे। आप ठीक कह रहे हैं, मैं उसमें धीरे धीरे आ रहा हूँ। जैसे मुर्गियों के पोल्ट्री फॉर्म में मुर्गियों को जो न लगा रहे हैं, अब इसके बाद जैसा आपने बहुत ही सही कहा है कि फलों और सब्जियों को भी लगा रहे हैं, राइट। उन्हें केवल जो है ना कार्बाइड में पका नहीं रहे हैं, बल्कि उनमें हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे हैं, उन पर रंग लगा रहे हैं, उन पर वैक्स लगा रहे हैं। और कुछ दुष्ट लोगों ने तो टेक्नोलॉजी को इतना अच्छा डेवलप कर लिया है कि दे कैन क्रिएट द सेम टेस्ट थ्रू आर्टिफिशियल प्लास्टिक। मैं जो है बिहार से जो है मखाने मंगाता था, बहुत अच्छे मखाने होते हैं क्योंकि वहां पे पैदा ज्यादा होते हैं, तो वही होते हैं। मैंने देखा कि जो लास्ट खेप आई, जो कि लगभग एक साल पहले थी, वो हमने बड़ा रेगुलर पाइपलाइन वहां पे एस्टैब्लिश की हुई थी, तो हमारे पुलिस नेटवर्क के थ्रू वो हमारे पास पहुंचता रहता था। लास्ट टाइम जो है ना, इसके बाद मैंने बंद कर दिया उसको। जब लास्ट वो पहुंचा और हमने उसको माइक्रोवेव में गर्म किया, तो पहले वो फूलता था, खिल जाता था, इस बार जो है ना वो श्रिंक कर गया। इसका मतलब है इट वॉज मेड ऑफ ए प्लास्टिक मटेरियल एंड इट वॉज एग्जैक्टली द सेम एंड टेस्ट वॉज ऑल्सो सिमिलर टू मखाना ओनली। लेकिन मखाना तो श्रिंक नहीं करेगा, तो पक्की बात है कि इट वॉज समथिंग ऑफ द प्लास्टिक मटेरियल एंड समबडी कुड इमिटेटेड इट सो वेल कि वो लुक में भी मखाना था और वो टेस्ट में भी मखाना था, लेकिन वो जो है वास्तविक में मखाना नहीं था। तो वही हाल चावल का भी है। चावल भी चावल के भी वही हो रहा है। नहीं, ये जो है ना टेक्नोलॉजी और ग्रीड की दुष्टता की पराकाष्ठा है, ठीक है ना। अब एक तीसरी डायमेंशन जो है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर की चर्चा करना बहुत जरूरी है, और वो देश को एकदम गर्त पे जो है ना ले जाने के लिए खड़ी हुई है, और वो डायमेंशन है मिल्क की। आपको जानकारी होगी कि हम जितना मिल्क का कंज्यूम कर रहे हैं, उसका उस कंजम्पशन का केवल 1/3 ही मिल्क पैदा हो रहा है, तो 2/3 मिल्क कहाँ से आ रहा है? यूरिया भी, करेक्ट। तो वो उसको यूरिया ना कह के लेट्स से दैट उसको एक ब्लैक बॉक्स मान लेते हैं, इट इज कमिंग फ्रॉम केमिकल ऑरिजिन, राइट। यूरिया इज वन ऑफ देम, बट देयर आर द अदर वेज ऑफ क्रिएटिंग इट। तो अब जब इसको रिसर्च किया गया, तो इस पे एक बड़ी अच्छी रिसर्च सामने आई है कि यदि जो इस केमिकली प्रोड्यूस मिल्क को और मिल्क प्रोड्यूस को यदि यूज किया जाएगा लगातार 4 वर्षों तक, तो 87% कंज्यूमर्स दे विल बी सफरिंग फ्रॉम कैंसर। बिल्कुल सही है। तो ये सारी तो समस्या बहुत विकराल है। तो जो मैं आम बात कहता हूँ, क्यों कहता हूँ रहीम की बात, ये 5 जो हमारी बहुत विकराल समस्या अभी है और आने वाले समय में बद से बदतर होंगी, वो तो अगर मैं सिलसिलेवार में 5 मिनट में गिना सकता हूँ। एक है कैंसर, कहते हैं 10% हिंदुस्तानियों को कैंसर है, तो गोया कि 13 करोड़ लोगों को कैंसर होने की संभावना है। एक आदमी को कैंसर हो घर में तो सारे शरीर हो जाते हैं इसके स्ट्रगल में, तो 52 करोड़ से 55 करोड़ के लोग कैंसर के स्ट्रगल में शामिल होंगे, कैसा देश होगा? तो नंबर 1। नंबर 2 है जो तापमान है, पिछले 10 दशक में 1 डिग्री बढ़ा है, उसको कोई झुका नहीं सकता। और जैसा मैंने कहा, IPCC रिपोर्ट है, पहले 2 दशक में अगले 2 दशक में 1.5 डिग्री का जो लिमिट है उसको भी क्रॉस कर गया है। और तीसरा है जो वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर पता नहीं कहाँ चला गया, और नदियाँ सूख गई, बड़ी नदियाँ भी खतरे में, और जो पानी 800 और 1000 फीट का है वो पानी पीने योग्य नहीं है, सिंचाई योग्य नहीं है। तो और चौथा अनएम्प्लॉयमेंट है, 5 मृत्यु बहुत कम बोल सकते हैं। इन 5 चीज का जो मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि धरती जोतना बंद करो, और कुछ बहुतायत में तो हमारे पास 4 चीज़ें बहुतायत में, एक है धूप सनलाइट, दूसरा है एरेबल लैंड, तीसरा है रोड, और चौथा है बारिश, जहाँ बारिश होती है। तो इन 4 के दोहन का सबसे अच्छा तरीका फूड फॉरेस्ट लगाना है, और अगर ये मल्टी लेयर
मतलब जो ऊपर का माला खाली है उस पर आप चले जाए तो अद्भुत बदलाव आएगा। न धरती में आपको फर्टिलाइजर देने की जरूरत, न पेस्टिसाइड देने की जरूरत, न धरती को जोतने की जरूरत। थोड़े हिस्से में आप अन्न उगाओ। राइस को हमारे हिसाब से मध्य प्रदेश में भी नहीं उगाना चाहिए, पंजाब में भी नहीं उगाना चाहिए। मेरे ख्याल से अपन इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक ढंग से कहते हैं, पहले एक समस्या का जो है ना एक पूरा खाका खींच लेते हैं, फिर देन धीरे से समाधान पे जाएंगे, फिर समाधान के कुछ मॉडल जो है ना डेवलप किए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और फिर जो आपके मॉडल हैं उसको हाउ वी कैन यूज इट टू फर्दर इंटीग्रेट, राइट। तो वो बड़ा एक सिस्टमेटिक है, और इसके लिए हमने पहले बेसिकली हम क्राइम फ्री भारत की पुलिस एंगल से बात कर रहे थे, उसमें था कि हम जो है थाने में बिना जाए कैसे सर्टेनिटी के साथ FIR दर्ज कराएं, राइट। और फिर एक पूरा मॉडल डेवलप किया कि ये पुलिस तो सुनने वाली नहीं है, तो हाउ वी कैन जो है ना रियली फोर्स पुलिस एंड गवर्नमेंट टू फॉल इन लाइन, मतलब ये गवर्नमेंट की भी औकात नहीं है कि इट विल नॉट फॉल इन लाइन, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि एक फरियादी जो है ना जाता है और हवलदार उसे भगा देता है। जब वो फरियादी उसके पास नहीं जाएगा, CF भी उसके पास जाएगी अलोंग विद द फुल डिजिटल प्रूफ, तो उसे अब भगाने के लिए कोई अवेलेबल ही नहीं है। नंबर वन, यदि वो अपना काम नहीं करेगा तो वो उसके फोल्डर में चला जाएगा डिटेल, फिर आप SP को पकड़ेंगे 154(3) में, फिर 156(3) में कोर्ट को पकड़ेंगे, फिर 482 में हाई कोर्ट को पकड़ेंगे, फिर PIL एंड कंटेंट पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट को पकड़ेंगे, राइट। तो ये तो हो गया है लीगल पार्ट। देन जो है देयर इज एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, DIG, IG, एडिशनल DG, DG इतने सारे हैं। वो कानून ने केवल पूरी चीज को दो भागों में बांटा है, संज्ञेय या असंज्ञेय, कॉग्निजिबल नॉन कॉग्निजिबल, राइट। अब आप तो जो भी पुलिस ऑफिसर उसका काम है या तो यदि संज्ञेय बात कर रहे हैं तो FIR दर्ज करें, असंगे कह रहे हैं तो 155 की भी रिपोर्ट दर्ज करें और आपसे कहे भाई साहब कोर्ट जाइए आप, क्योंकि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, या वो कंपेल फील कर रहा है तो ही कैन सबमिट इट इन ए फॉर्म ऑफ ए कंप्लेंट। इस प्रकार सा पुलिस फिर भी सबमिट कर सकती है, राइट। कॉग्निजेंस उसमें कोर्ट लेगी, लेकिन स्टिल जो है ना देयर इज ए लिटिल लीवे अवेलेबल। लेकिन देखिए पुलिस विभाग में जो है ना कंप्लेंट, IG, DIG सब बने हुए हैं, कंप्लेंट विभाग ही पुलिस में इलीगल है। Because you do not have the power to write inquiry and report. If it is cognizable, then you are supposed to join a register offense. If it is non-cognizable, even if you are joining, you are supposed to give a report because you go to the court, right? अब यदि आपको कोई confusion है कि संज्ञेय अपराध है कि नहीं है, then court ने जो है ना आपको थोड़ा सा leeway दिया है. You can conduct inquiry to verify whether cognizable offense has been committed or not. फिर जो है ना वो सेकंड सर्टेनिटी में हम कैसे एक ऑर्डिनरी हवलदार से सभी केसेस को डिटेक्ट कराएंगे, फिर तीसरी सर्टेनिटी में था कि हम कैसे कोर्ट की मदद करेंगे जिससे राउंड द क्लॉक जो है विदाउट गोइंग टू द कोर्ट वी कैन कंडक्ट ट्रायल। और अभी जो 4 करोड़ जो है 4 करोड़ केसेस पेंडिंग है जुडिशरी के सामने, राइट, ये तब पेंडिंग है जबकि केस रजिस्टर नहीं किए जा रहे हैं। हार्डली 10-15% केस रजिस्टर हो रहे हैं, और जब सभी केसेस रजिस्टर होंगे तो ये 4 करोड़ मालूम नहीं कब 40 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, मालूम ही नहीं पड़ेगा, राइट। तो दैट CFP वांट टू हेल्प जुडिशरी टू हैव ए वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम जो कि 24 घंटे काम करेगा, जिसमें जजेस की संख्या भी जो है ना लिमिट नहीं करेगी, क्योंकि वी कैन अपॉइंट एडहॉक जजेस। तो उसमें सर्टेनिटी ऑफ, पहले हम कन्विक्शन कहते थे फिर हमने मॉडिफाई किया कि नहीं कन्विक्शन नहीं कहना है, सर्टेनिटी ऑफ जस्टिस लाएंगे, क्योंकि जहां पे फर्जी रिपोर्ट पे जो है ना कायम करके जो है ना फरियादी को तंग किया गया है तो उसमें जो जो भी रिस्पॉन्सिबल है, मे बी कंप्लेनेंट मे बी पुलिस, लेट जो है ना दिस कंस्पायरेटर शुड बी ब्रॉट टू लॉ। तो ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया। अब कितनी मोटी खाल करेंगे, जब सिस्टम जो ना सब अकोमोलेट करता जाएगा तो कब तक आप करेंगे। देन कम्स द लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी, जब जो है अपोजिशन का विधायक पूछेगा कि इस थानेदार ने 1000 केसेस पेंडिंग जो है ना रजिस्टर नहीं किए हैं, ये देखो मेरे पास रिकॉर्ड है, ये किसकी साय पे हो रहा है,
आप इस थानेदार को सस्पेंड करेंगे कि नहीं करेंगे, और करेंगे तो कब करेंगे? अच्छा, एक विधानसभा में यदि अज्यूम करिए आपने मोटी खाल करके नहीं सस्पेंड किया, तब तक 500,000 केसेस और बढ़ जाएंगे, क्या जवाब होगा? यदि कंसिस्टेंटली जो है ना सीएफबी पीछे पड़ा रहेगा तो सरकार को अपने सर्वाइवल का प्रॉब्लम आ जाएगा। एक्चुअली में मैं आप तो बहुत विद्वान हैं और सेंसिटिव पुलिस अफसर रहे हैं, एक मेरा ये भी कहना है कि जो टेक्नोलॉजी को जो आप कर ही रहे हैं उसको ऊपर लाना पड़ेगा, तो एग्जिस्टिंग फोर्स है और उससे इतने सारे जो केसेस संभल सकते हैं, सिस्टम पर बहुत भारी बोझ है। गलत तो एक तो होता है जो मंशा हो, गलत मंशा हो, गलत आईडी हो, उसको जरूर ठीक करना चाहिए, उसको सजा देनी चाहिए, लेकिन जो बहुत सारा बंद हो रहा पाइटी भी कम लोगों के होने की वजह से भी संभव हो सकता है, इसके लिए वो थोड़ा भी संजीदा वो जो है ना इस प्रोसेस में कहीं मिड कोर्स करेक्शन की जरूरत होगी तो वी विल बी सेंसिटिव इनफ टू डू दैट जॉब, सो दैट इज नॉट ए इश्यू। देन इसकी तीसरी सर्टेनिटी थी कि जब इतना सारा हम कैप्चर कर रहे हैं तो हम सर्टेनिटी के साथ प्रिवेंशन कर पाएंगे, कम से कम 80-90% केसेस में तो प्रिवेंशन कर ही पाएंगे, और जहाँ पे प्रिवेंशन नहीं हो पाएगा वहाँ पे सर्टेनिटी के साथ ऑफेंस रजिस्टर करके उसको जेल भेज देंगे, सो द प्रेजेंट इंसेंटिव टू कमिट क्राइम दैट विल डिसअपीयर। तो फिर सवाल उठता है कि क्राइम फ्री भारत एस्टैब्लिश होगा कि नहीं होगा, उसका जवाब मैं देता हूँ नहीं। क्यों? क्योंकि यदि पेट खाली है तो आदमी जेल जाने की सर्टेनिटी के बावजूद भी ऑफेंस करेगा, क्योंकि पेट की आग ज्यादा बड़ी है, राइट? तो फिफ्थ सर्टेनिटी कहती है कि रिहैबिलिटेट क्रिमिनल्स थ्रू प्रॉपर रिहैबिलिटेशन स्ट्रेटेजी एंड विद दैट सर्टेनिटी, आपने इंसेंटिव टू क्राइम कमिट क्राइम हटा दिया, अब आपने नेसेसिटी टू कमिट क्राइम भी हटा दिया। सो दैट्स हाउ जो है दैट्स हाउ वी इंटेंड टू ब्रिंग दैट क्राइम फ्री भारत, एंड इसमें 5 रेवेन्यू स्ट्रीम था। सो इट दीज रेवेन्यू स्ट्रीम इतनी पावरफुल होंगी, आप तो इनकम टैक्स के हैं, वी आर सेइंग कि यदि इसको फुल्ली यदि हम इंप्लीमेंट कर दें तो इतना रेवेन्यू जनरेट होगा बाय कैप्चरिंग ऑफ एविडेंस ओनली, बिकॉज द कैप्चरिंग विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट टू द पब्लिक साइड, एंड उसको जो है अधिकांश चीजों को कंपाउंडेबल बना दिया जाएगा, हैवी कंपाउंडिंग में फीस रहेगी जैसे दुबई वगैरह में की हुई है, और उसकी 50% जो है ना वो एप्लीकेंट को जो 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 कैप्चर करेगा उसको देंगे, सो दैट द इंसेंटिव टू कैप्चर शुड बी वेरी हाई, राइट? और उसे किसी के पास नहीं, और उसे किसी के पास नहीं जाना है। बेनामी ये नया एक्ट आया है जो हम लोग एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उसमें यही है, जो बेनामी की जो सूचना देगा उसको 1 करोड़ रुपए तक मिल सकता है जब उस पर आपने जो है ना मेरे मुंह की बात छीन ली। अभी कुछ समय पहले मंथन हुआ है, मतलब 2009 की बात है, तो उस मंथन में जो है मैं था, तो मैंने यही कहा था उसमें कि माननीय जो है ना मुख्यमंत्री जी, अब जो है करोड़पति बनाने का समय आ गया है, तो हम जो है जब वो कहते हैं, जब जो है ना अमिताभ बच्चन कहते हैं कि करोड़पति बनिए, तो हमें भी कहना चाहिए करोड़पति बनिए। तो यदि आप सेक्रेटरी के विरुद्ध रिपोर्ट जो है ना चीफ सेक्रेटरी के विरुद्ध लाएंगे तो हम आपको 1 करोड़ का देंगे विथ एविडेंस। यदि आप जो है ना इस रैंक वाइज कर दीजिए, बहुत सारे लोग जो है अपनी नौकरी छोड़ के यही कलेक्शन में बिजी हो जाएंगे, एंड दे विल अर्न मोर देन व्हाट दे कैन अर्न ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। तो मैथिली शरण गुप्त जैसे बहुत सारे लोग जो है ना अपनी नौकरी आईपीएस की छोड़ के यही सब धंधे में लग जाएंगे। तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जो दुनिया जो खत्म हो रही है मेरे हिसाब से, जो आईपीसीसी का रिपोर्ट कहता है, वो लालच में खत्म हो रही है। हाँ, अभी अपन उस पे आते हैं, अभी आते हैं। तो जैसे हमने इंसिडेंटली आपको बताया था, फिर हमने ये महसूस किया कि इससे बड़ा दर्द जो है ना कहीं दूसरी जगह है, तो मुझे लगा कि स्केयरसिटी जो है इज द आवर प्रॉब्लम। नाउ आप देखिए, आप जो है ना क्लाइमेट को प्रॉब्लम बता रहे हैं, आई एम सेइंग स्केयरसिटी इज ए प्रॉब्लम, और स्केयरसिटी नेचर में कहीं है नहीं, सो देयर इज अबंडेंस एवरीवेयर। जैसे अपन पानी की बात करें तो पानी नदियों के रूप में है, पानी जो है ना समुद्र में है, पानी जो है पृथ्वी के नीचे है, अंडरग्राउंड वाटर है, पानी जो है बादलों में है, पानी जो है ग्लेशियर पे है, और हम और आप भी 70% रनिंग वाटर बॉटल्स हैं। आप हमारी दुष्टता देखिए, इतने अबंडेंस में जो चीज है उसको हम बॉटल में भर के बेचने में सफल हुए।
अभी अभी यही चीज जो है ना एयर के साथ होने जा रही है। दिल्ली में तो कई बार जो है ना फतवा जारी करते हैं कि साहब आज जो है ना एयर क्वालिटी इज वेरी बैड, सो यू आर एडवाइज टू स्टे इनसाइड योर होम। बहुत जल्दी जो है ये फतवे जारी होते हैं रेगुलर, तो बहुत जल्दी ऐसी स्थिति होगी जब हम सब लोग जो है ना ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलेंगे और शायद हमारे कम्युनिकेशन में कहीं ये बात कही जाएगी कि भैया मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर एग्जॉस्ट हो रहा है, जल्दी भेज दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मतलब अभी अपन काल्पनिक लग रहा है, लेकिन बहुत जल्दी यदि हम नहीं चेते जो आप कह रहे हैं तो पानी ऊपर पहुंच जाएगा कहीं पे, जिसके कारण कुछ लोग डूब जाएंगे, यहाँ पर जो है ना क्लाइमेटिक चेंज हो जाएगा, सब कुछ जो है ना अपसाइड डाउन हो जाएगा। नेचर से पंगे लेना किसी के लिए ठीक बात नहीं। एक जर्मन फिलोसोफर हैं, उनका एक कहना है, उसमें जो भी अपनी वार्तालाप में कहता हूँ उसको, उसमें शुरुआत में से करता हूँ, वो कहते हैं द हार्डेस्ट थिंग टू सी इज व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ योर आईज। ये इतना सही है, पूरी दुनिया को मालूम है कि पेड़ लगाने हैं लेकिन हम इन्हें कर नहीं रहे, तो बड़ा ही मुश्किल है। और बाकी जितने सबसे जो गलत हुआ है वो ये है कि एक दूसरी विधा थी हमारे ऋग्वेद में लिखा है। अभी एक मिनट, अभी अपन सॉल्यूशन पार्ट में थोड़ा सा देर से आएंगे, अभी थोड़ा सा जो है ना केवल प्रॉब्लम को थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं एंड देन अपन उस वीडियो को क्लोज करके सेकंड वीडियो जिसमें रहेगा कि व्हाट शुड बी द मॉडल, व्हाट शुड बी डन। अभी थोड़ा सा इसको अलार्मिंग उस पर ले जाते हैं, तो आपने जहाँ छोड़ा है वहाँ से इसको पिकअप करते हैं। आपने 55% कहा था, हमारा ऐसा प्रेडिक्शन है कि अगले 5 साल में बिकॉज ऑफ आल विविस्का के कारण 66% पीपल दे विल बी सफरिंग फ्रॉम कैंसर, जैसा कि अपन अभी चर्चा कर रहे थे। इसका मतलब है कि हर 3 में से 2 व्यक्तियों को कैंसर होगा और तीसरा व्यक्ति होगा जो उसे अटेंड करेगा। इसका मतलब है भारत की पूरी आबादी प्रोडक्शन को छोड़ के, WHO की बात कर रहा था, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल संभव है, yes, why not? तो 5 साल में क्या हमारी पूरी पॉपुलेशन कैंसर को जो है ना रिलेटेड त्रासदी से हैंडल करेगी क्या? इट इज ए वेकअप कॉल। यस, तो हम और आप इस बात से सहमत हैं कि ये वेकअप कॉल है। अब इस वेकअप कॉल से कैसे जूझा जाए, नेता तो अपनी पॉलिटिक्स में बिजी हैं, दे तो वो जो है ना सत्ता में कैसे रहें, किसको गिराएं किसको उठाएं, अब इससे तो भला होने वाला नहीं है, राइट? यस। एक दूसरी बहुत अच्छे लोग सब जगह हैं, माफी है, सब जगह नहीं, नहीं सब जगह नहीं है। देखिए पहले जो है ना, आप दरअसल याद करिए अपने बचपन में, पहले जो है क्रिमिनल्स जो है नेता को बाहर से सपोर्ट करते थे, फिर जो है ना नेताओं को टिकट देने लगे, नेता खुद खड़े होने लगे। बढ़ते बढ़ते जो है आज के पार्लियामेंट में, आपको आई होप कि आपको जानकारी होगी, 42% जो है ना आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे आर द पीपल विद द क्रिमिनल रिकॉर्ड, और उनमें से 29% लोग जो है दे आर हैविंग वेरी हीनस ऑफेंस लाइक रेप एंड मर्डर्स। इस देश में चपरासी बनने के लिए आपको शिक्षित भी होना चाहिए और आपको सचरित्र भी होना चाहिए, तो देश का कानून बनाने वाला होने के लिए और देश में कहना चाहिए कि उस देश की बागडोर संभालने के लिए उसे सचरित्र और सशिक्षित क्यों नहीं होना चाहिए। अच्छा, अपने मन से तो सोचने की बात छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी जजमेंट भी दिया लेकिन वो ढाक के 3 पात उसे किसी को सुनाई देना नहीं है और कोई भी इस चीज को करना नहीं चाहता है, क्योंकि एक जो क्रिमिनल है उसकी जीतने की संभावना एक अच्छे व्यक्ति की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। तो सभी लोग जीतने में इतने ज्यादा मशगूल हैं, उनको सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है, इस पार्टी का है उसको अपने साथ ले लो, उस पार्टी का इतना हम साथ ले लिए, मध्य प्रदेश में भी क्या हुआ, तो राजस्थान में वो ऐसा होते होते बच गया है, पंजाब में भी शायद वैसे ही कुछ होने जा रहा है, तो वी डोंट नो कि पॉलिटिकल प्रायोरिटीज आर डिफरेंट। तो देश इतनी बड़ी त्रासदी से जूझने वाला है, मैं पतंजलि जी आपसे अनुरोध करूंगा कि हम लोग मिलके कम से कम उसके बारे में थोड़ी और चर्चा करें, और अभी इस वीडियो को हम इसी जगह पे जो है ना वो करते हैं, तो हम लोग मिलके जो है समाधान निकालेंगे
मेरे पास है वो एक रोल मॉडल होगा, और उसमें उसमें हम जो है ना एक शपथ लेते हैं कि ना तो हम ज्ञान बांटेंगे और ना ही अवेयरनेस बांटेंगे, हम उसे प्रोडक्ट और सर्विसेज में कन्वर्ट करेंगे और सबको जो है ना वेल्थ बांटते हुए उसको जो है ना अपनी दम पर ग्राउंड पे उतारेंगे। सही बात और है। इस और इसमें हम जो है नेचर के दो प्रिंसिपल जो कि हमारे जो है अवेंडेंस को स्केसिटी में जिसमें कन्वर्ट किया है, दो चीजें हैं, एक है कॉस्ट और दूसरा है करेंसी। नेचर ने ना तो कॉस्ट पैदा की है और ना ही करेंसी पैदा की है, दिस इज अवर क्रिएशन, एंड ये दो क्रिएशन ही हमारी सभी समस्याओं की जड़ है। सीएफबी का जो सीएफबी का जो मॉडल है उसने ऐसी फिलॉसफी इजाद की है कि हम स्केरसिटी को खत्म कर पाएंगे, हम कॉस्ट को नेगोशिएट कर पाएंगे, उसको जो है ना मैनेज कर पाएंगे, और हम करेंसी को भी बैलेट जो है, जैसे कि गूगल का बैलेट है, ऐसे एयरटेल का बैलेट है, ऐसे ही सीएफबी अपना बैलेट लेके आ रहा है, और मेकिंग यूज ऑफ द बैलेट इट विल टेक केयर ऑफ द जो है ना दैट करेंसी पार्ट आल्सो टू ए ग्रेट एक्सटेंट। तो मतलब पूरी तरह से वो नहीं हटेंगी, दे विल रिमेन देयर इन बैकग्राउंड, बट हम उसकी जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको उठा ले जाएंगे। और हमारा कहना है कि हम जो है ना केवल इकोलॉजी को ठीक करेंगे, ना केवल क्लाइमेटिक चेंज को ठीक करेंगे, ना ही ना केवल जो है कैंसर को केवल छोड़ दीजिए विलुप्त कर देंगे। एक तरफ जो है ना स्थिति एक तरफ स्थिति पैदा हो रही है कि हमारी 100% पॉपुलेशन जो है कैंसर रिलेटेड अफेयर में बिजी होगी, 66% सफर करेंगे, 33% उन्हें अटेंड करेंगे, तो पूरी पॉपुलेशन कैंसर रिलेटेड उससे सफर होगी। लेकिन कैंसर ना तो किसी बैक्टीरिया से हो रहा है और ना ही किसी वायरस से हो रहा है, कैंसर इज ए रिवोल्ट अगेंस्ट योर एट्रोसिटीज ऑन योर सेल। तो जब आप उस एट्रोसिटीज को विलुप्त कर देंगे तो कैंसर भी गायब हो जाएगा, मालूम नहीं रहेगा कि कैंसर और ये जो ऑटोनोमस डिजीजेज हैं वो कहाँ डिसअपियर हो गई, उनको अपन को ट्रीट ही नहीं करना पड़ेगा, दे विल जस्ट डिसअपियर। आई कंप्लीट विद यू, और नॉट ओनली दिस, एक तो आप प्रिवेंट कर सकते हैं और क्योर भी कर सकते हैं, दोनों चीजें हैं। जब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे तो उसके बारे में ठीक है। तो आइए जो है ना हम लोग इस पे प्रतिज्ञा करते हैं और कि हम इसको ज्वाइंटली हैंडल करेंगे, और इस वार्तालाप को का इस पोर्शन को यहीं पे जो है ना वो करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।